नमस्कार व्यूअर्स, मेरा नाम है सोमेन पॉल और आप देख रहे हैं पेट सिंपायर नाम का आपका हमारा ये यूट्यूब चैनल। तो एक भाई है, ठीक है, सब्सक्राइबर मित्र हैं, उन्होंने कमेंट किया था मुझे, कल ही किया था, और उन्होंने बोला था कि जावा का जो नेस्टिंग मटेरियल्स होता है उसके ऊपर एक वीडियो बनाइए, या कौन सा मटेरियल हम लोग यूज़ करें। उन्होंने कुछ घास का भी नाम बोला था, ग्रास का, क्या दे सकते हैं क्या नहीं। तो इन कुछ बातों के ऊपर आज बात करेंगे कि जावा को आपको, जबकि सीज़न स्टार्ट हो चुका है, सीज़न तो चल रहा है, तो क्या कौन से टाइप का नेस्टिंग दे जो बेस्ट होगा, अच्छा होगा और आपको लो प्राइस में मिलेगा, ठीक है, आपको बहुत ही सस्ता मिलेगा, कौन सा नेस्टिंग मटेरियल्स होता है। तो इसकी बात, इसके ही ऊपर आज कुछ बात करेंगे आप लोगों से। तो ये मेरा जावा है, वो एक ब्राउन फोन का एक फीमेल है और एक सिल्वर का मेल है। मेल को मैंने कुछ दिन पहले ही परचेस किया है मार्केट से, सिल्वर का मेल आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत सा ये मेल है सिल्वर का। तो मैंने मटकी लगा दी है और नेस्टिंग भी दे दिया है, आप लोग देख सकते हैं ये नेस्टिंग मैंने किस तरह का दिया है। तो वो जो दोस्त था वो बोल रहा था कि नेस्टिंग कैसा देना चाहिए, तो देखिए ये जो नेस्टिंग है यहाँ पे, देखिए पता को बंद कर देता हूँ ना, बात उठ जाएगा ये। तो जब भी आप केज में हाथ बात दे कुछ भी करने के लिए, तो दरवाज़े को ओपन कीजिए और फटाक से ही बंद कर देना, बाग नहीं करेंगे तो जावा आपका उड़ सकता है, क्योंकि जावा बहुत ही फास्ट एक बर्ड है, बहुत फास्ट है ये, ठीक है। कब आपके हाथों के इस साइड से अगर आप हाथ देते हैं तो इस साइड का अगर गैप रहता है तो कब निकल जाएगा आपको मालूम ही नहीं चलेगा। और जब ये बाहर जाएगा, बजरी भी बहुत फास्ट होता है, जब भी ये बाहर जाएगा कोई भी बर्ड ऐसा जो हमारे यहाँ पे लोकल बर्ड नहीं है, तो कौवा जो होता है ना, चील, कौवा, क्रो, वो फटाक से इसको मार देगा, ठीक है। इसका मुंडी पे एक चोंच मारेगा, ये नीचे गिर जाएगा, मर जाएगा, उसके बाद इसको फाड़ के, इसका सीना फाड़ के, इसका जो पंख बगड़ा है, पर बगड़ा, इसको सबको फाड़ के अंदर का गोश्त या मांस मीट सब खा लेगा। तो देखिए जो ये नेस्टिंग है, ये आप देख सकते हैं, मैंने ये नेस्टिंग दिया है मेरे जावा को, ये आप ज़रा गौर से देखिए, ये बेसिकली नारियल का जो छिलका होता है वही है, जो नारियल डब वगैरह, ठीक है, कोकोनट हम लोग खाते हैं, रस वगैरह खाते हैं, या बहुत सारे नाड़ू बोलते हैं उसे हम लोग बनाते हैं, नारियल का बहुत सारे चीज़ें बनाते हैं, चिकन साकुती गोवा में मिलता है, चिकन साकुती, उस साकुती में भी हम लोग नारियल का चून हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है ना, नारियल को छील के। तो ये जो छिलका होता है ये उसी नारियल का है, बेसिकली ये है कि नारियल जो होता है, नारियल को हम लोग खा लेते हैं, ठीक है, यूज़ कर लेते हैं, उसके बाद जो छिलका है वो छिलका धूप में सुखाना चाहिए, अच्छी तरह से धूप में सुखाइए और छिलके को फाड़िए, ठीक है, फाड़ के पानी में रख दीजिए, पानी में उसको पचाइए, गलाइए, बहुत दिनों तक पानी में रखने के बाद एक बदबू आ जाती है उसके, वो जो नारियल का जो छिलका है ना, वो नारियल के छिलके सेल से बहुत अच्छी बदबू, एक बहुत बुरी एक बदबू आती है, धूप में सुखाने के बाद पानी में डालिए, उसके बाद बदबू आती है, और बदबू आने के बाद उसको फिर से निकालिए और फिर से धूप में सुखाइए और उसको अच्छी से मैश कीजिए या मारिए कोई भी डंडे से। मारने के बाद आप देखेंगे कि उन छिलकों में बहुत सारे रेशे जैसा कुछ होता है, ठीक है, वो सब निकल जाएगा, निकल के ऐसा जो बाल का जैसा होता है ना, पूरा एकदम सूते की माफी के प्लेन हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप नेस्टिंग के तौर पर यूज़ कर सकते हैं, जो मैंने करने का तरीका बताया, हो सकता है कि आपको पसंद ना आए, बहुत ही मुश्किल वाला एक तरीका है, लेकिन आप इसे यूज़ ज़रूर करना, ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा नेस्टिंग जो मैंने तरीका बताया वो थोड़ा मुश्किल लगता है आपको, तो आप डायरेक्ट जो नारियल का छिलका है निकाल के धूप में सुखा के डायरेक्ट दे सकते हैं। ये अगर ना भी कर सकते ना, नारियल अगर आपको कोकोनट आपका शहर में नहीं मिलता, मुश्किल है, प्रॉब्लम है, तो आप एक काम कर सकते हैं, कोई भी जहाँ पे पिलो वगैरह मिलता है, पिलो या बिस्तर वगैरह जहाँ पे इस बनाया जाता है, वहाँ पे जाइए, जाके बोलिए कोकोनट का या नारियल का छिलका जो हम लोग पिलो और बिस्तर के लिए यूज़ करते हैं, जिससे पिलो और बिस्तर बनाया जाता है, बहुत सारे लोग तो तूला से भी बनाते हैं, लेकिन स्पॉन्ज से भी बनाते हैं, लेकिन ये भी यूज़ होता है, ठीक है, इससे ये भी यूज़ होता है, अब तक पुराने वाले लोग इससे भी यूज़ करते हैं, तो आपको ये मिल जाएगा, ठीक है, 30-40 रुपए का किलो होगा, आप अगर 1 किलो लेंगे, ठीक है ना, तो आपका बहुत दिन तक चल जाएगा ये, ठीक है, वो आपको ऐसे डायरेक्ट बनाया होगा, मैंने इसे
शायद 40 या 45 रुपए किलो इसके हिसाब से परचेस किया है। तो मैं तो 500 ग्राम ही परचेस किया हूँ। मेरे पास ज़्यादा बर्ड्स नहीं है, फिंचेस और जावा ज़्यादा नहीं है, कुछ ही पेयर है, तो मुझे ज़्यादा नहीं लगा। मुझे अब तक मेरा जो एक्स्ट्रा सामान था नेस्टिंग वो पड़ा हुआ है, तो ये आपको मिल जाएगा 30-40 रुपये किलो। जहाँ पे पिलो और बिस्तर बनाया जाता है उसी शॉप से ये मिल जाएगा, तो आपको उसे परचेस करना है। अगर परचेस करते वक्त ऐसा आपको देखना पड़ेगा ऐसा है कि नहीं, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप चेक कीजिए, चेक करके ऐसा वाला लीजिए। आप इमेज को ज़रा गौर से देख लीजिए, या इस वीडियो को पॉज करके भी देख आप देख सकते हैं ऐसा होगा। और इसका एक गंध होता है, वो आप गंध अपने नाखों जो आपका नाक होता है नोज उससे सूंखिए, ठीक है, घ्राण उसे स्मेल को ठीक है महसूस कीजिए, देखिएगा कि गंध कैसा है, अच्छा है या बुरा है। अगर बुरा है तो उसे परचेस कर लीजिए, परचेस करके धूप में सुखाइए, 2-1 दिन अच्छे से कड़क धूप में सुखाइए। सुखाने के बाद वो अच्छा हो जाएगा और उसके कोई भी बदबू उसमें नहीं होगी। तो परचेस करने के बाद धूप में सुखाने के बाद ये एकदम रेडी हो जाएगा। इसको अच्छे से ऐसा ऐसा आपको लोटा पोटा में मिलेगा, आपको इसे फाड़ लीजिए, ठीक है, ठीक है। बर्ड्स को जैसे कि नेस्टिंग करने में चोंच में लेने के में आसानी हो, और इसे केज में डाल दीजिएगा। तो अगर आपका बर्ड्स रेडी है ब्रीड के लिए, तो आप जब भी इसे देंगे, देने पर ही फटाक से ये 2-3 दिनों में ही सारे जो नेस्टिंग को ख़त्म कर लेंगे, ठीक है। सबको उठा के मटकी में या नेस्ट बॉक्स या नेस्ट बास्केट जो भी आपका जावा का, सभी उठा के डाल देंगे, ठीक है। डालने के बाद आपको शायद 10-15 दिन बाद ही आपको एक मिल जाएगा, और कुछ दिन बाद ही आपको शायद बच्चे भी मिल जाए कुछ दिन बाद भी। तो यही है, आप इसे यूज़ कर सकते हैं जावा के नेस्टिंग के लिए, बहुत बेहतरीन चीज़ है। और जो लोग जो दोस्त था मेरा कमेंट किया था वो घास के बारे में बोल सकते हैं, ज़रूर आप वो जो घास बोल रहे थे कोई भी तरह का घास हो उसे सुखा के आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बस नेस्टिंग करना चाहिए, ठीक है। ये बर्ड्स जब जंगल में रहते हैं तो कुछ भी चीज़ मिलता है ये लोग नेस्टिंग कर लेते थे, ठीक है, कोई बात नहीं, नेस्टिंग होता है, लेकिन ये अच्छा चीज़ है, ठीक है। आपको ठंड के मौसम में या बारिश के मौसम में आपको बर्ड्स को गर्मी देगी, थोड़ा सा बच्चे अगर होंगे अंडे बच्चे तो गर्मी देगी, नारियल का ये चीज़ बहुत बेस्ट है, बहुत सारे लोग यही इस्तेमाल करते हैं। बाकी जो है कि काठ का एक होता है ऊँट का बुरादा, उससे भी बहुत से लोग देते हैं। तो बहुत से लोगों के डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज़ हैं, ठीक है, आप कोई भी से कोई सा भी एक यूज़ कर सकते हैं। बाकी मुझे लगा ये सबसे आसान है, ठीक है, 20-30 रुपये में आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से नेस्टिंग बनाया हुआ नेस्टिंग मिल जाएगा। बस उसे आपको परचेस करना है और डाल देना है, कुछ भी नहीं करना है, सुखाना वगाना कुछ भी नहीं है, बस परचेस करना और डाल दे। अगर आपके पास नारियल है तो उसे जैसे कि मैंने तरीका बताया, ठीक है, धूप में सुखाइए, पानी में डालिए, जब बदबू आएगा उससे तो उसे फिर से निकालिए और धूप में सुखाइए, आपका नेस्टिंग हो जाएगा। और जो लोग नहीं कर सकते, नारियल नहीं मिलता, टाइम नहीं है, तो ये लोग परचेस कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास टाइम नहीं है तो मैंने डायरेक्ट नारियल का जो छिलका होता है नेस्टिंग इसे परचेस कर लिया। तो ये वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। बाकी ये कि ये मैंने जो व्हाट्सएप का ग्रुप है उसमें एक प्रॉब्लम हो गया था, कोई एक पागल आदमी था, उसने हस्की के बारे में, हस्की जो डॉग होता है उसका प्राइस बोला था, या शायद इंग्लिश में बोला था उसके प्राइस के बारे में कि क्या प्राइस है उसका। तो बहुत से लोगों ने वो बात को नहीं समझा, उल्टा उल्टा बोला है मेरे ग्रुप में शायद कोई मेंबर, ये कौन से भाषा में बात कर रहा है, इंग्लिश बात था उसका, इंग्लिश में वो साइबेरियन हस्की डॉग का प्राइस जानना चाहता था। कुछ दोस्त नहीं समझे, उसको बोला था ये कौन से भाषा में तुम बात कर रहे हो, नहीं समझ मैं आ रहा है तुम्हारा बात। तो उसने गुस्से में आके ग्रुप में ज्वाइन किया था शायद 7:30-8:30 बजे, और गंदे गंदे तस्वीर ग्रुप में पोस्ट कर दिया था। मैंने 6:30 बजे तक ग्रुप चेक किया था, कुछ भी नहीं था, सब ठीक ठाक था। बाकी मैं जॉब पे था नाइट शिफ्ट पे, तो 11:30 बजे मैंने फिर से चेक किया, तब से बहुत सारे कॉल और SMS मुझे आ चुके थे, और ये सब जो गंदे गंदे तस्वीर थे मेरे ग्रुप में मुझे मिले थे। तो ये बहुत सारे प्रॉब्लम वाली बात है, और इससे 40-50, 30-40-35 ऐसा मेंबर शायद ग्रुप से निकल गए, लेफ्ट हो चुके हैं। तो उनको मैं बोलूँगा कि ऐसा प्रॉब्लम देखिए हो सकता है, इंसान बहुत सारे इंसान होते हैं दुनिया में, ठीक है ना, एक इंसान नहीं है, बहुत सारे इंसान के बहुत सारे मेंटेलिटी होती है, धारणा होता है, सोच होता है। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, आप क्या कर सकते हैं, ठीक है। और तो जो लोग लेफ्ट हो चुके ग्रुप से निकल गए, तो मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि आप ग्रुप को प्लीज़ ज्वाइन कीजिएगा। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूँगा, ठीक है। तो ऐसा प्रॉब्लम एक ही बार हुआ है, ठीक है, ऐसा बार बार तो नहीं, एक ही बार हुआ है, और आगे भी शायद हो सकता है, ऐसा कोई बात नहीं है। बहुत सारे मेंबर होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, तो कौन क्या कर रहा है, कब करेगा, मुझे नहीं मालूम, ठीक है, शायद आपको भी नहीं मालूम,
ठीक है, मैं उसको जस्ट निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि ग्रुप का एडमिन कहाँ पर है, ठीक है, लेकिन मैं जॉब पर था, 6:30 बजे चेक किया था व्हाट्सएप का ग्रुप, और 7:30 या 8 बजे ऐसा प्रॉब्लम हुआ था। तो जब मैंने देखा तो मैंने उसको ग्रुप से निकाल दिया, ठीक है। और आगे से भी वो अगर लिंक को क्लिक करता है तो वो ज्वाइन नहीं हो सकता, इसके लिए भी मैंने बहुत सारे तरीके अप्लाई किए, उसको फिर से मैंने ऐड किया और फिर से मैंने निकाला था, इसलिए वो कभी भी उसी नंबर से कभी भी शायद लिंक को क्लिक करके ज्वाइन नहीं हो सकता है। तो अगर दूसरे नंबर से होता है ऐसा दूसरा कोई आदमी, तो मुझे वो तो नहीं मालूम कब करेगा, कब ऐसा गंदी हरकत करेगा। तो जिन लोगों को वो मतलब जिन लोगों से उसने बदतमीज़ी की थी ग्रुप के मेंबर, तो मैं सॉरी कहना चाहता हूँ आप लोगों को, दिल पे मत लीजिए, ऐसा हो सकता है। बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे इंसान लोग होते हैं, उनकी धारणा अलग होती है, कुछ अलग लोग होते हैं, कुछ अच्छे लोग, कुछ बुरे लोग, कुछ पागल लोग, यह कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि आपको, आप अगर इंसान है तो आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि आपको कोई भी गाली दे सकता है, आपको कोई अच्छा आदमी बोल सकता है, कोई आपको बुरा आदमी बोल सकता है, कोई आपको चीटर बोल सकता है, कोई आपको जो आपको जैसा लगे आपको जैसा बोल सकता है, ठीक है, ऐसा बात नहीं है। आप अच्छे भी हो सकते हैं, बुरी भी हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए आप अच्छे हैं, कुछ लोगों के लिए आप बुरे हैं। आपको लगता है कि आप अच्छे हैं लेकिन ऐसा हो नहीं है, आप शायद बुरे भी हो सकते हैं, कि आप बुरे हैं लेकिन आप अच्छे होने का नाटक करते हैं, तो आपको बहुत सारे लोग शायद लगते हैं कि आप अच्छे हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं है, दुनिया में सभी तरह का लोग मिक्स्ड है, और अच्छे लोगों में भी कुछ बुराइयाँ होती हैं और बुरे इंसान लोगों में कुछ अच्छाइयाँ होती है, तो सब कुछ मिला के हम लोग इंसान लोग होते हैं, ठीक है। तो धारणा अलग होती है, तो उसने ऐसा गंदे तस्वीर डाला था, उसको गुस्सा आया था, और क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं सॉरी कहता हूँ, तो उस दोस्त ने, उस दुबई वाले का शायद नंबर था 97 से, तो जिन जिनको बदतमीज़ी की थी, गालियाँ दी थी, मैं सॉरी कहना चाहता हूँ मेरे ग्रुप के मेम्बर से। और प्लीज़ जो लोग ग्रुप से निकल गए हैं, लेफ्ट हो चुके हैं, ज्वाइन हो जाइए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसका लिंक मैं दे दूंगा, ठीक है, कोई बात नहीं है, कोई भी मसले वाली बात नहीं है, ऐसा चलता रहता है, ठीक है। मैं ऐसा ना तो नहीं बोलूँगा कि ऐसा फिर से होगा, मैं कोशिश करूँगा कि मैं 1-1.5 घंटे बाद या 2 घंटे बाद ही ग्रुप को चेक करूँ, मेरे यूट्यूब चैनल को चेक करूँ, कोई भी किसी का भी कॉमेंट आए या ग्रुप में कोई भी SMS सेटअप का वीडियो, मैं सब कुछ चेक करता हूँ, और मैं आगे भी चेक करूँगा, ठीक है, 1.5 आधा घंटा 2 घंटा बाद ही छोड़ के मैं चेक करूँगा, ठीक है, ताकि ऐसा प्रॉब्लम आगे ना आए। तो जावा का ये जो नेस्टिंग के बाद मैंने बोला, आपको पसंद आया तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, ठीक है, जस्ट लाइक के बटन पे आइकन पर क्लिक करना है, वीडियो ना पसंद आया तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, और कॉमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है। और मैं, मेरे बहुत सारे और भी जावा हैं, तो पिछले सीज़न में उन्होंने अच्छी ब्रीड की थी, मैंने कुछ प्रोग्रेस का वीडियो भी डाला था, 1-2 वीडियो है शायद, एक का बच्चे का, जो आप जाके देख सकते हैं, पिछले लास्ट समर के पहले का, और 3-4 महीने हो चुके हैं। फिर से मैं ये जावा को पेयर किया है, मेल को परचेस किया है 250 रुपये में, ठीक, 225 रुपये में, ठीक है, 225, ठीक है, 225, ठीक है। तो वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, इस फीमेल के साथ मैंने पेयर किया है, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा इस चैनल को, ताकि मैं डेली बेसिस पर नया नया वीडियो लेके आ सकूँ आप लोगों के लिए, पेट्स एंड एनिमल रिलेटेड, ठीक है। और वो जो दोस्त था जावा का नेस्टिंग के बारे में बोल रहा था, उसको शायद हो सकता है कि अच्छे से बात समझ में आ गया होगा, और देखते रहिए पेट्स एम्पायर, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल वाली आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। बेल वाली आइकन को प्रेस करने का मतलब ये है कि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा, आप कोई भी वीडियो मिस नहीं कर पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते रहिए पेट्स एम्पायर। जय हिंद, वंदे मातरम।